हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पीयू अकेडमी। मैं चारू अग्रवाल आज की वीडियो में आपसे शेयर करने वाली हूँ नागमती व्यूह खंड का 19वां छंद, जो कि हमारा आखिरी छंद है और ये हमारी लास्ट वीडियो है नागमती व्यूह खंड की। इससे पहले की जो वीडियोस हैं जिसमें कि हमने 18 छंद पढ़े हैं वो आ चुकी हैं। अगर आपने नहीं देखी है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाके चेक कर सकते हैं। साथ ही अगर आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो जल्दी से जाके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल पर आपको सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है। इससे पहले की भी जो 4 बुक्स कंप्लीट करवाई हैं उसके भी आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही टेलीग्राम चैनल पे भी आपको सब कुछ मिल जाएगा, पीडीएफ्स भी उसके अवेलेबल हैं, वो भी आपको मिल जाएंगे, ठीक है। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। और बाकी हम अपना आखिरी जो दोहा है वो आखिरी जो छंद है वो पढ़ते हैं और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दीजिएगा जिससे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कुहुकी जस कोयल गोई, रक्त आंसू धुधुचि बन बोई, भय कर मुखी नैन तन गीत गाती, को से गाबु बिहा दुखताती, जह जह ठाटी होई बनवासी, तह तह होई धुधुचि के गासी, बूंद बूंद में जानू जीव, गूंजा गूंजी के करे पियू पियू, तेही दुख भय पागस निपाते, लोह बूढ़ी उठे होई गाते, गाते बिंब मिजी तेही लेहू, पवर पाक फाटी ही गेहू गोहू, देखो जहाँ होई सोई गाता, जहाँ सुगतन सहे के पाता, नासी पावस ओही देसगा, नाही हेवंत वसंत, ना को किल ना पपीहगा, जेही सुनी आवे कंत। संदर्भ देखिए, संदर्भ आपका वही रहेगा, संदर्भ में किस तरीके का कोई बदलाव नहीं हुआ है। प्रस्तुत पंक्तियाँ सूफी कवि मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित प्रेम अख्यान काव्य परंपरा के महाकाव्य पद्मावत से ली गई हैं और इसके संपादक वासुदेव शरण अग्रवाल हैं, ठीक है। प्रसंग देखिए, इन पंक्तियों में जायसी ने नागमती की विह व्यथा का मार्मिक चित्रण किया है। वह कहती है कि लगता है कि उस देश में ना वर्षा ऋतु होती है, ना वसंत, ना कोई कोयल है, ना पपीहा है, क्योंकि यदि वे वहां होते तो इनकी आवाज सुनकर प्रियतम मेरा स्मरण करते हुए घर अवश्य लौट आते। तो वो ये कहती हैं कि जिस देश में गए हैं, कहाँ पे, सिंघल द्वीप, कहाँ गए हैं जो राजा रतन सेन है, सिंघल द्वीप। तो वो कहती हैं कि जो सिंघल द्वीप है ना, वहाँ पे कुछ होता ही नहीं है शायद, ना तो वर्षा ऋतु है, ना वसंत ऋतु है, यानी कि वहाँ पे ना तो कोई ऋतु है, कोई भी मौसम नहीं है, और ना ही किसी तरीके का कोई पक्षी है, ना तो कोयल है, ना तो पपीहा है, ना कोई भी पक्षी है ना, जिसकी वजह से क्या है कि मेरे पति तक कोई संदेश पहुंच ही नहीं रहा है और वो मेरी आवाज़ सुन ही नहीं पा रहे हैं, क्योंकि ये मेरा विश्वास है कि अगर वो मेरी आवाज़ सुन लेंगे ना तो वो वापस ज़रूर आ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए नागमती क्या व्याख्या करती हैं, व्याख्या देखिए, नागमती कहती हैं कि मैं कोयल की तरह कूकती हुई प्रिय को याद में बहुत रोई, मेरी आंखों से निकलने वाले रक्त के आंसू जंगल में घुघुचियों की तरह बिखर गए हैं, मेरा मुंह सूख कर काला पड़ गया है, किंतु शरीर और नेत्र अंगारे की तरह धधक रहे हैं, दहक रहे हैं, विरह के इस तप्त दुख से मुझे कौन शीतल करेगा, वह वनवासिनी जहां जहां खड़ी होती है वहीं नेत्रों से टपकने वाले खून के आंसुओं के कारण धुधुचि के ढेर लग जाते हैं, ऐसा लगता है मानो एक एक बूंद में उसके प्राण टपक रहे हैं और उन धुधुचि जैसे आंसुओं में से पी पी की आवाज निकलती लग रही थी। नागमती के विघह दुख में से पलाश पत्र विहीन हो गए और रक्त से भी कर लाल हो गए, उसी रक्त से भी कर बिंबा फल भी लाल हो गया, परवल पक कर पीला हो गया और गेहूं का हृदय बीच से फट गया। वह नागमती जहां जहां देखती है वहीं लाल हो जाता है। वह कहती है कि पता नहीं मेरा वह रत्न रूपी रत्न सेन कहाँ है, जो कोई उसे जाकर मेरा संदेश कहे और विघ व्यथा में उससे परिचित कराए, यानी कि मैं जिस दुख में हूँ ना उससे उसे परिचित कराया जाए। विन्नी नागमती कहने लगी कि मुझे ऐसा लगता है कि जिस देश में मेरा प्रियतम गया है वहाँ ना तो वर्षा ऋतु आती है, ना हेमंत, ना वसंत, वहाँ कोई ऋतु नहीं आती है। ऐसा लगता है कि वहाँ ना तो कोयल की मधुर कूक सुनाई देती है, ना वहाँ पपीहा ही बोलता है। यदि ऐसा होता तो अवश्य ही मेरा प्रियतम
इनके उद्दीपन प्रभाव से मुझे स्मरण करता और घर वापस आ जाता। अब यहाँ पे देखिए नागमती से क्या कहा गया है कि नागमती कहती है कि मैं क्या है कोयल की तरह कूदती रही, ये को याद करती रही और बहुत रोई। मेरी आंखों से निकलने वाले जो आंसू हैं वो रक्त के समान यानी कि खून के आंसुओं के समान जंगल में घुघुचियों की तरह बिखर गए। ठीक है, जंगल में घुघुचियों की तरह, घुघुची जीव होता है उसकी तरह बिखर गए। मेरा मुंह क्या है सूखकर काला पड़ गया है और मेरा शरीर और नेत्र क्या है फिर भी अंगारे बरसा रहे हैं। ठीक है, विरह के इस तप्त दुख से मुझे कौन शीतल करेगा, यानी कि मेरी जो दुख है मेरा जो विरह है इसे कौन खत्म करेगा, इसे कौन शांत करेगा। तो वो कहती हैं कि वह वनवासिनी जहाँ जहाँ खड़ी होती वहीं नेत्रों से टपकते, यानी कि नागमती अपनी में कहती हैं कि नागमती के लिए मतलब कहा गया है कि जो वह वनवासिनी यानी कि वन में रहने वाली जो है वो जहाँ जहाँ खड़ी होती है वहीं नेत्रों से टपकने वाले उनके खून के जो आंसू हैं उसके कारण घुघुचियों के ढेर लग जाते हैं। ऐसा लगता है कि मानो एक एक बूंद में उसके प्राण टपक रहे हैं। उन घुघुचियों जैसे आंसुओं में से क्या हो रहा है पीपी की आवाज़ निकलती जा रही है। नागमती का जो दुख है वो क्या है पलाश पत्र विहीन हो गया है यानी चरम सीमा पर पहुँच गया है और रक्त से भीग कर लाल हो गया है। उसी रक्त से भीग कर बिंबा फल भी लाल हुआ है। बिंबा फल की बात की गई है वो कहाँ से लाल हुआ है उसी विरह से, उस विरह रूपी रक्त से भी कहीं लाल हुआ है। परमल पक कर पीले हो गए हैं। गेहूं का हृदय क्या है बीज से फट गया है। गेहूं जो देखा होगा आपने कि गेहूं इस तरीके का होता है और बीज से यहाँ फटा हुआ होता है, सी बात हो रही है। वह नागमती जहां जहां देखती है वहीं लाल हो जाता है। वह कहती है कि पता नहीं मेरा वह रत्न रूपी रत्न सेन जो मतलब कहाँ है और जो कोई उससे जाकर मेरा संदेश कहे तथा विघ व्यथा से उसे परिचित करवाए, यानी कि वो कहती है कि मेरी जो दशा है उससे परिचित करवाए कोई रत्न सेन को जाकर और उन्हें मेरी दशा बताए। ठीक है, वे कहती हैं पता नहीं कौन ही होगा जो कि मेरे पति तक मेरा संदेश पहुंचा देगा। तो विघ्नि नागमती कहने लगती हैं कि मुझे लगता है कि जो देश जिस देश में मतलब मेरे प्रियतम गए हैं उस देश में ना तो वर्षा ऋतु होती है ना हेमंत ऋतु ना वसंत ऋतु, कोई ऋतु ही नहीं होती शायद, और ना ही वहाँ पे कोयल की मधुर कूक सुनाई देती है और ना ही वहाँ पर पपीहा बोलता है। तो कहती है यदि ऐसा होता तो अवश्य ही, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं है। अगर ऐसा कुछ होता तो मुझे विश्वास है कि मेरे प्रियतम ने जब इसकी आवाज़ सुनी होती ना तो उसके प्रभाव से क्या होता है उन्हें मेरी याद आ जाती, मेरा स्मरण आ जाता और वो घर पर वापस आ जाते। ठीक है, अब इसका भाव सौंदर्य देखिए। भाव सौंदर्य क्या कहता है कि नागमती के विरह व्यथित हृदय की अत्यंत मार्मिक व्यंजना इस छंद में की गई है। नागमती का रत्नसेन के प्रति प्रेम सात्विक प्रेम है और वह भारतीय गम्भीर का आदर्श प्रस्तुत करता है। संताप नामक विरह दशा का मार्मिक वर्णन है। वियोग वर्णन में रक्त आदि का वर्णन होने से प्रभावी मतलब फारसी प्रभाव यहाँ पर परिलक्षित हो रहा है। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पर काव्य सौंदर्य है। काव्य सौंदर्य में किसी तरीके का कोई बदलाव नहीं है। ठीक है, भाषा वही रहेगी अवधि रस वियोग श्रृंगार छंदो हजोपाई और भाषा शैली प्रतीकात्मक और अलंकार जो रहेगा हेतुत्पेक्षा और अतिशयोक्ति अलंकार रहेगा। तो आप देखिए यहाँ पे 15 से लेके 19 तक के जो छंद है, ठीक है, 15, 16, 17, 18, 19 यानी कि आपके 5 छंद जो है, ठीक है, इन 5 छंदों में क्या है आपकी जो भाषा शैली है वो कौन सी है प्रतीकात्मक है। ठीक है, और 1 से लेकर 14 तक जो है वो आपकी जो छंद है 14 छंद है उनमें क्या है अलंकारिक है। ठीक है, याद रखिएगा अलंकारिक आपकी जो भाषा शैली है वो रही है। ठीक है, भाषा शैली आपकी परिवर्तित हुई है, इसे आपको याद रखना होगा और छंदों को थोड़ा देख लीजिएगा समझ लीजिएगा। बाकी किसी तरीके की कोई दिक्कत होती है तो मैं हूँ, आप मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, बाकी टेलीग्राम चैनल को अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं कोई नए स्टूडेंट हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो बाकी वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ अपने फैमिली के साथ जिससे भी आप शेयर कर सकते हैं आप शेयर करें। और बाकी अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है कोई भी इशू होता है तो आप मुझसे किसी भी तरीके से कांटेक्ट कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, मेल आईडी पे टेलीग्राम पे कहीं भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। आई होप वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।